कोने ही झलक, कोने ही झलक। बोलो यहाँ पे आवे ना है, बोलो यहाँ पे आवे ना है, बोलो यहाँ पे जावे ना है, बोलो यहाँ पे जावे ना है। बाय 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 बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज झलक। और आज मैं यूज करने वाली हूँ ये सिरेमिक प्लेट्स हैं। वैसे काफ़ी अब मॉडर्न हो गई हैं ये, वापस से फैशन में आ गई हैं कि आप अपने घर में इस तरीके की जो मॉडर्नाइज प्लेट्स होती हैं उनको यूज़ करो, पर ये हैं पुराने, ये काफ़ी टाइम पुरानी है मेरी। देखो इसमें ना थोड़ा थोड़ा ऐसे गड्ढे गड्ढे टाइप हो रहे हैं, तो ये वेस्ट थी, तो मैंने सोचा चलो इनके साथ कुछ बनाते हैं। इनके साथ भी और इनके साथ जो मग्स थे, कप थे, उनके साथ भी, पर मेरा सिर्फ यही वाला क्राफ्ट सक्सेसफुल हुआ, मेरा मग वाला क्राफ्ट खराब हो गया। तो और वीडियो भी बहुत लेंदी हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो बस इतना ही डाल देते हैं। तो आप भी अपने घर की प्लेट्स को, पुरानी इस तरीके की प्लेट्स को फेंकिए नहीं, ये बनाइए जो मैंने बनाया है। पसंद आएगा, जरूर पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आइए। तो सबसे पहले मैंने ले ली ये 3 सेरेमिक प्लेट्स। देखो इसमें ना अंदर बहुत थोड़ा सा ऐसे स्पॉट स्पॉट पड़ा हुआ है, गड्ढे गड्ढे से हो रहे हैं, तो मेरे लिए तो बेकार ही थी, मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी। उसके बाद मैंने ले लिया मोल्डेड क्ले। इक्वल क्वांटिटी में वैसे सारा ही यूज हो जाएगा, पर सारा एक साथ मिलाना नहीं है। मिक्स किया थोड़ा सा, कोई भी टेलकम पाउडर जो है वो हमने ऐसे किसी भी सरफेस पर लगा लिया, और उसके बाद ये मिक्स हुआ मोल्डेड क्ले से हम लंबी लंबी स्ट्राइप्स जैसी बना लेंगे इसी तरीके से। और ग्लू लगाते हुए हम इसको प्लेट पर हमें जैसा चाहिए ना वैसी हम शेप देते देते हम ये बनाते चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ना मैं सिंपल सिंपल से डिजाइन्स बनाऊंगी, बहुत इजी लगेगा आपको, इजीली इसको बनाना है आराम से। देखो यहाँ से ना ये जहाँ पे भी जॉइंट आता है वो आपकी मर्जी है, आपको अगर इसे आप ढंग से थोड़ा ऐसे प्रेस कर करके करोगे ना तो ये एकदम से स्मूथ हो जाएगा। और आप चाहें तो हल्का सा जब ये ड्राई हो जाए ना उसके बाद भी आप इस पर वाटर अप्लाई कर सकते हैं, हल्का हल्का स्मूथ हो जाएगा ये उससे। अब छोटी छोटी ये मैंने छोटी बिंदियां जैसी बनाई, तो उसके बाद में ये लीफ जैसा बना लिया है, ठीक है। अब ये काफ़ी सारी मैंने बना बना के एक साइड में रख ली हैं, पाउडर डाल दिया इनके नीचे जिससे कि ये सरफेस पर चिपके ना। इस तरीके की लीफ बनाई, और जैसा आपको पैटर्न बनाना है उस हिसाब से ये मैंने यहाँ पर सर्कल के बीच में लगा दिए हैं चारों तरफ लगा के। और एक बाउंड्री पर भी मैं एक लेयर लगाऊंगी मोल्डेड क्ले की, ये पूरा लगा दिया। इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड प्लेट में मैंने ये थोड़ा थोड़ा पैटर्न बनाना स्टार्ट किया। देखो मुझे तीनों अलग अलग बनाने हैं, तो इस तरीके से मैंने पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ग्लू को ना इस पर एक साथ तो मैं लगा नहीं सकती, तो जैसे जैसे बनाते जाना है वैसे वैसे, मतलब आपको क्ले लगाती जानी है वैसे वैसे आपको साथ में ग्लू लगाना है, ठीक है।
अब ये कंप्लीट होने के बाद मैं आती हूँ, ये दोनों मेरी कंप्लीट हो गई हैं। अब तीसरी प्लेट पर आते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लीफ जैसा टेम्पल टाइप का जो पैटर्न होता है ना, वो मैं यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ, ताकि तीनों अलग अलग डिज़ाइन लगे। सेम बनाना चाहो, नहीं कुछ बन पा रहा है तो आप सेम भी बनाना है, लेकिन आपको क्या करना है, ये मोल्डेड क्ले को ना जितना यूज़ करो उतना ठीक है, बाकी ना एक पॉली में पैक करते हुए रखते हुए चलना है, जिससे कि जल्दी से ड्राई ना हो। अगर बाहर रहेगा हवा में तो वो सूख जाएगा। इसकी भी बाउंड्री पर मैंने मोल्डेड क्ले लगा दिया है। अब जैसे छोटी छोटी लीफ बनाई हुई थी, वो बना के यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी वो भी लगा दी है, देखो इस तरीके से। अब मेरे तीनों डिज़ाइन बनकर तैयार हो गए। अब इनको थोड़ी टाइम के लिए हम ड्राई होने देंगे और फिर हम इस पर कलरिंग स्टार्ट करेंगे। पूरे पर एक साथ एक कलर करके और फिर ऊपर से दूसरा अप्लाई करना हो तो वो भी कर सकते हो, पर मैं जहाँ जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कलर कर रही हूँ। अब देखो ये टाइप के मेरे पास मिरर्स हैं, ये थोड़ा बड़ा साइज था सर्कल में, ये थोड़े छोटे छोटे उससे छोटे, और एक है मेरे पास पिटारा। इस पिटारे में ना मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, वो जो सर्कल वाले थे वो होलसेल के थे, और ये है मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ था। ये देखो ये ट्रायंगल शेप के हैं, डायमंड शेप के भी हैं, ये तो ट्रायंगल है और ये पेटल वाला शेप है। ये सब अलग अलग शेप के थे जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, अच्छी क्वालिटी होती है। अब हम इस पर मिरर अपने हिसाब से लगाना स्टार्ट करेंगे। Thank you.
अब तीनों कंप्लीट होने के बाद में हम बैक साइड पे मैंने मोल्डेड क्ले से ऐसे सर्कल से लगा दिया है और इनके बीच में ना ये होल कर दिया जिससे कि मैं इसे हैंग कर सकूं। ये देखिए ये सारे तैयार हो गए हैं। पीछे से ये भी मेरा ड्राई हो गया है और ये मैंने ले लिए कलर्ड पेपर्स। इनमें क्या करना है, मैं कुछ तीन कलर के पेपर्स निकाल लेती हूँ, ठीक है, और मैं ऊपर की साइड से कुछ टैम्पल की तरीके से मैं इसको कट कर लूँगी। और एक को कट करने के बाद एक से बाकी दोनों पर ट्रेस करेंगे और उसके बाद उनको भी उसी तरीके से हम कट कर लेंगे। ये देखो मैंने ये यहाँ पर ना मार्क कर लिया है ऐसे, और फिर उन्हीं शेप में हम उसी शेप में कट कर लेंगे। अब तीनों कटिंग होने के बाद चलिए अब इनको प्लेस करते हैं इन सारी चीज़ों को। देखो करना तो पेंट था पर पेंट नहीं हो पाया है, इसलिए मैं इनको इस तरीके से लगा के आपको दिखा रही हूँ कि लुक कैसा आने वाला है। अगर पेंट होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, पर ये भी बस इतना है कि परमानेंट नहीं है तो वो बात है, बाकी तो ये अच्छा ही लग रहा है। और मेरे पास और कोई जगह भी नहीं थी तो जो मेरा रूम है क्राफ्ट का भी उसी पर मैं इसको डेकोरेट करके दिखा रही हूँ कि ये कैसा लगने वाला है। मैंने ये जो पेपर्स लगाए हैं ना ये टेम्पररी है, और ये बस इसलिए है कि आपको कुछ इंस्टेंट डेकोर करना हो अपने किसी फेस्टिवल के लिए या कुछ जल्दबाजी हो तो आप ये यूज कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली ना ये अपनी छत पर करना था पर कुछ रीजन से मैं ये नहीं कर पाई तो मैंने ये यहाँ पे करके दिखा दिया है। तो मेरा ये क्राफ्ट, मेरा ये डेकोरेशन अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।